इधर की आप ये बताएं कि काली सिंह परियोजना में जो सोनकर क्षेत्र के 22 गांव आ रहे हैं, तो माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा ने उनका मुआवजा कम करने की बात सुजालपुर में उठाई थी, अब आपका इस मामले में क्या कहना है? मैं आपको बड़ा दुख और मैं इस मामले में बहुत व्यथित हूँ कि जो सोनकच विधानसभा क्षेत्र के 22 गांव लूप में आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार उस मुआवजे को बढ़ाकर देना चाहती है, लेकिन जब सुजालपुर में पाटीदार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था, उसकी सीडी मेरे पास उपलब्ध है, उसमें माननीय सज्जन वर्मा जी ने यह कहा कि इन गांवों का मुआवजा कम होना चाहिए। मुझे बहुत अत्यंत खेद के साथ, चूँकि सोनकच विधानसभा से वे लगातार 4 बार विधायक, उपनेता, प्रतिपक्ष, मंत्री, और मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में जो कुछ आज उनकी हाइट है वो निश्चित रूप से सोनकच की जनता के कारण है, तो उनका मन कैसे गवारा कर गया कि सोनकच की जनता के साथ इस अन्याय को करने का और ये कहने का कि इन गाँव का मुआवजा कम होना चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने उनकी इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उस किसान से पूछिए कि जो अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपनी ज़मीन देता है, मुआवजा बिल्कुल कम नहीं किया जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। और मैं आपके माध्यम से उन 22 गाँव के किसानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मुआवजा बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि किसान के लिए ज़मीन केवल ज़मीन नहीं होती, उसके साथ उसका भावनात्मक संबंध होता है, माँ जैसा संबंध होता है, किसान उसको अपने खून पसीने से सींचता है, उसके साथ उस किसान के साथ अन्याय मेरे विधायक रहते नहीं होने दिया जाएगा। मैं 22 गाँव के किसानों को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीछे रहने वाली नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में सोनकच विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सज्जन सिंह जी वर्मा आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मैं इस बात से कतई सरोकार नहीं रखता कि मेरे सामने कौन चुनाव लड़ रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पूरी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम हर चुनाव गंभीरता से लड़ते हैं, चाहे वो पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो। जहाँ तक सज्जन वर्मा जी से सोनकच लड़ने का सवाल है, पार्टी मुझे सोनकच के साथ या कहीं से भी उनके सामने यदि चुनाव लड़ने का निर्देश देगी तो मैं पूरी विनम्रता के साथ पार्टी के आदेश को सिर माथे पर लेकर उसका पालन करूंगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ था कृषि उपज मंडी में, उसके आमंत्रण पत्र छपे थे जिसमें 4 विधायकों के नाम थे, लेकिन मंत्री तुकोजीराव पवार का उसमें नाम नजर था, और ऐसा माना जा रहा कि आपने और विधायक दीपक जोशी ने षड्यंत्र पूर्वक उनका नाम नहीं छोड़ने दिया। देखिए, इस बात से मुझे कोई सरोकार नहीं, मैं तो स्वयं भी उसमें एक अतिथि था, उसमें गया हूँ, और मैं उस शिष्टाचार और उच्च मापदंडों की राजनीति में विश्वास करता हूँ। तुकोजीराव पवार निश्चित रूप से मेरे नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे। मेरे और उनके परिवार के संबंध कृष्णराव जी पवार के समय से मेरे परिवार के उनके संबंध हैं, ऐसी छोटी राजनीति में राजेंद्र वर्मा कभी नहीं पड़ता है। चुनाव जीतने के बाद आपके पिता पूर्व सांसद फूलचंद जी वर्मा ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद 1 साल बाद ही आप विवाह कर लेंगे और आप भाभी के साथ सोनकच में रहने लगेंगे, क्या कारण है कि 2 साल बाद भी आपने विवाह नहीं किया? मेरी तरफ से ना नहीं है और ये सवाल मेरे से संबंधित भी नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के साथ गांव-गांव जाकर आपने कई वादे करे थे सोनकच विकास खंड और सोनकच पूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए, लेकिन वो वादे अभी अधूरे रहे, पूरे हो नहीं सके और चुनाव आने वाले। मेरी जानकारी में ऐसा कोई मुख्यमंत्री जी का वादा नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूँ कि सोनकच का जो विकास पिछले 27 सालों में नहीं हुआ वो हमने पिछले 2 वर्ष में करने की कोशिश की है। फिर चाहे चांदाखेड़ी से आशीर्वाद हॉस्पिटल से चांदाखेड़ी की सड़क हो, चिड़ावा से दुमदा की सड़क हो, भोपाल रोड से खरपड़ी की सड़क हो, भयागांव से भूतिया की सड़क हो, जनोली के तालाब की बात हो, बुदासा के तालाब की बात हो, भेसाखेड़ी और देवधर्मराजपुरा का 20-20 साल का रुका हुआ मुआवजे की बात हो, टोक खुर्द में कॉलेज की बात हो, सोनकच में ITI की स्वीकृति की बात हो, या चिड़ावत में टप्पा तहसील कार्यालय की बात हो, ऐसे अनेकों काम मैं सोनकच विधानसभा में गिना सकता हूँ। लेकिन उसके साथ ये भी प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति 27 साल तक रहा, उस चिड़ावत में टप्पा कार्यालय क्यों नहीं खोल पाए, उस टोक खुर्द में कॉलेज क्यों नहीं खोल पाए, सोनकच में ITI क्यों नहीं ला पाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल से चांदाखेड़ी की सड़क क्यों नहीं बना पाए, चिड़ावत से दुमदा की सड़क क्यों नहीं बना पाए, सोनकच को पर्यटन के नक्शे पर क्यों नहीं ला पाए, बिजली के क्षेत्र में सोनकच में प्रगति क्यों नहीं हो पाई, जबकि हम अगेरा की ग्रिड की बात करें, 15 ट्रांसफार्मरों के ऑगमेंटेशन की बात करें, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की बात हो, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगने की बात हो, ऐसे अनेकों काम में गिना सकता हूँ। यदि मैं काम गिनाने लगूंगा तो मुझे उसके लिए कम से कम 2 घंटे केवल काम गिनाने के लिए लगेंगे। और मेरा जैसा कि मैंने पहले भी आपसे निवेदन कहा, आज भी कहा कि मैं सोनकच के विकास के मामले में किसी भी व्यक्ति से किसी भी चौराहे पर और किसी भी मंच पर किसी भी समय बहस करने के लिए तैयार हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव आप अगर लड़ते हैं तो कौन कौन से मुद्दे होंगे आपके, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे? सबसे पहला तो मेरा सोनकच विधानसभा की जनता के साथ जिस व्यक्ति ने 27 साल तक छलावा किया, जिसने 27 साल तक वोट लिया और एक रात तक सोनकच की जनता के सुख दुख को समझने के लिए एक रात नहीं रुका वो, उसके बाद कि सोनकच में आपको अपना बेटा चाहिए, भाई चाहिए या मित्र चाहिए या वो आदमी चाहिए जो ये कहता हो कि मुझे शत्रुघ्न सिन्हा मेरी ड्रेस की तारीफ करता, वो व्यक्ति चाहिए या वो व्यक्ति चाहिए जो आपके सुख दुख में पल की खबर मिलने के बाद तत्काल खड़ा हो जाए, वो व्यक्ति चाहिए या इंदौर से फार्चुनर में बैठ कर आने वाला व्यक्ति चाहिए। मेरा सीधा सीधा सोनकच की जनता से एक ही आशीर्वाद हो रही कि इसने और प्रार्थना कि सोनकच में ये लोग ये कहते होंगे कि सोनकच मेरी जन्मस्थली कर्मस्थली, लेकिन राजेंद्र वर्मा ये कहता है कि राजेंद्र वर्मा का जन्म सिर्फ और सिर्फ सोनकच के लिए हुआ है, सोनकच की जनता की सेवा के लिए हुआ है, सोनकच के मतदाताओं के विश्वास पे खरा उतरने के लिए हुआ है, सोनकच के विकास के लिए हुआ। धन्यवाद।